हम बात करें अगर जो हेलो एल्केन और हेलो एरियंस की, ये लेक्चर नंबर सेकंड है जिसे मैंने हेलो एल्केन और हेलो एरियन में मैंने बताया था आपको। इससे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट में इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हर चीजें बताई थी मैंने आपको, लेकिन ये जो लेक्चर नंबर सेकंड है इसमें हम समझेंगे आईपीएससी नेम और कॉमन नेम, मतलब हम नॉर्मल क्लेचर समझेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरियंस का। बात करें अगर जो हम पहले आईपीएससी नेम्स की, तो आईपीएससी का फुल नेम तो आपको पता ही होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईपीएससी के मैंने ऑलरेडी 5-6 जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर, आई बटन पर क्लिक करके भी आप दे सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप दे सकते हैं, नहीं तो फिर आप सर्च करके भी दे सकते हैं। यूट्यूब पर जाकर सर्च करें आईपीएससी नेम बाय एपी सर क्लासेस, तो आपको 3-4 वीडियोज मेरे खुल जाएंगे, वहां पर आप जाकर के आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम समझेंगे आज आईपीएससी नेम ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरियन कंपाउंड्स का। तो हम पहले समझेंगे, ऑब्वियसली पहले समझेंगे हेलो एल्केन कंपाउंड का आईपीएससी नेम, फिर हेलो एरियन पे आएंगे। तो हेलो एल्केन के आईपीएससी नेम के बारे में बात करें, जो हमारा आईपीएससी नेम होगा उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसके लिए हम यूज करेंगे प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट एंड प्लस बॉन्ड नेचर बी एन, यही फॉर्मूला यूज किया जाता है आईपीएससी नेम्स के लिए, इससे बेहतर कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर जो जैसे मैं बात करूं प्रफिक्स की, तो प्रफिक्स में जो हमारा हेलोजन फैमिली, क्योंकि हम हेलो एल्केन और हेलो एरियन पढ़ रहे हैं, तो यह हमारा उसी का प्रफिक्स लगेगा। उसके बाद में बात करूं अगर जो एफ है, सीएल है, बीआर है और आई ग्रुप है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन ग्रुप पढ़ा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ग्रुप पढ़ा, ठीक है। तो उसके बाद करेगा जो हम फ्लोरीन ग्रुप की बात करें, तो हमारा जो फ्लोरीन होगा उसे लिखेंगे एफ एल यू ओ आर ओ फ्लोरो लिखते हैं। तो हमारा ये फ्लोरीन ग्रुप होगा उसके लिए हम फ्लोरीन यूज करते हैं, और जो हमारा क्लोरीन ग्रुप है उसके लिए यूज करते हैं क्लोरो, और जो ब्रोमीन ग्रुप है इसके लिए यूज करते हैं ब्रोमो, और इसके लिए यूज करते हैं आइडो। तो यहाँ हमने फाइनली किया देखा कि हमारा जो फ्रेंड ये ग्रुप हमारा जो है फ्लोरीन ग्रुप के लिए हम फ्लोरो यूज करते हैं, इसके लिए क्लोरो, ब्रोमो और फिर आयोडो। तो यहाँ हम बात करें, पहले हमने बात की, मान लीजिए मैंने लिया CH3 CH2Cl ग्रुप, यहाँ हमने ये ग्रुप लिया, मैंने कहा इसका आईपीएससी नेम समझते हैं। तो इसके आईपीएससी नेम में क्या करेंगे, यहाँ जस्ट इसके बगल वाला कार्बन हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2, तो दो कार्बन मैंने आपको बताया था पहले वर्ड रूट लिखते हैं, वर्ड रूट कार्बन की संख्या कहलाती है, तो यहाँ दो कार्बन से एथ होता है तो हम लिखेंगे एथ। और यहाँ बॉन्ड नेचर मैंने बताया था, बॉन्ड नेचर जिसमें से बॉन्ड नेचर सिंगल बॉन्ड लगा जिसके लिए लिख देंगे एन, और यहाँ पर ये फर्स्ट ग्रुप पे क्लोरो लगा तो फर्स्ट लिख देते हैं क्लोरो, क्लोरो ग्रुप। तो यहाँ हमने ये समझा कि फर्स्ट क्लोरो एथेन इसका नाम हुआ, जो हमारा आईपीएससी नेम हुआ। ऐसे ही कुछ और टर्मोलॉजी की बात करें अगर जो हम और तरीके से समझे यहाँ पर, तो यहाँ इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास यही ग्रुप अधिक बार जुड़ा हो, इस तरीके से मैंने ग्रुप लगाया सी एच, यहाँ सी एल कर दिया और यहाँ पर भी सी एल ग्रुप कर दिया, ऐसे आगे बढ़ दिया दिया। तो यहाँ पर मान लीजिए ग्रुप मैंने लगाया ये, तो इस ग्रुप को मैं कहा आईपीएससी नेम करने के लिए, तो यहाँ क्या करोगे, पहले आईपीएससी का जो टर्मोलॉजी होता है इसके पहले मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, वीडियो देखें तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि हम जिधर से कार्बन निकट होता है उधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इधर ज्यादा हो जाएगा इधर निकट है तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो चार कार्बन से लिखते हैं हम ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिख देते हैं, और यहाँ पर दो दो बार लगे हुए हैं सीएल ग्रुप, तो 2, 2 लिखते हैं डाई वो भी क्लोरो, क्योंकि सीएल ग्रुप को कहते हैं क्लोरो, तो हमारा होता है 2, 2 डाइक्लोरो और ब्यूटेन। अब मैं बात करूं अगर जो मैंने यहाँ 2 लगाया, डाई लगा दिया, ट्राई, तो अब मैं बता दूं अगर जो यही ग्रुप एक से अधिक बार आते हैं तो वहां हम 2 है तो उसकी यूज करते हैं डाई, 3 है उसके लिए यूज करते हैं ट्राई, और उसके बाद 4 है तो उसके लिए यूज करते हैं टेट्रा। इसका चार्ट मैं आपको दे दे रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको इसके चार्ट दिख रहे होंगे, वहां से देखें आप उसके बाद समझ जाएंगे, 10 तक मैंने दिया गया है स्क्रीन पे आपको उसका दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे ही बात करें हम और भी बात करें, तो ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव हुआ नॉर्मल क्लेचर जो होगी हमारा हेरो एल्केन का हुआ, जिसमें आईपीएससी नेम्स के हमने नॉर्मल क्लेचर पढ़े, और भी लंबे लंबे नॉर्मल क्लेचर इसके हैं, लेकिन समय को व्यतीत न करते हुए हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में और इसके कॉमन नेम्स के बारे में समझते हैं। फाइनली बात करें हम अगर जो कॉमन नेम की, यहाँ नॉर्म पद्धति में कॉमन नेम की बात करें, जिसमें हेलो एल्केन का पहले कॉमन नेम समझेंगे, उसके बाद हम हेलो एलियंस के कॉमन नेम के बारे में समझेंगे। तो यहाँ हम बात करें ऑब्वियसली हेलो एल्केन के कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम का जो हमारा जो यहाँ पर जो हम सिस्टम देते हैं वह यह कहलाता है हमारा, जो कहलाएगा वर्ड रूट प्लस उसमें इल जोड़ते हैं प्लस उसके बाद हैलाइड जोड़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी बनती है ये, अगर जो दिमाग में हमने बना दिया तो कोई भी आईपीएससी नेम हो तो आप आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ हमने क्या दिया वर्ड रूट इल प्लस हैलाइड इसमें जोड़ दीजिए, इसका कहने का मतलब मान लीजिए मेरे पास ये ग्रुप है CH3Cl ग्रुप है, इसका मैंने कहा कॉमन नेम लिखो, तो कॉमन नेम मतलब साधारण नाम, साधारण नाम क्या होगा, साधारण नाम क्या होगा इसके बारे में ध्यान से समझे, तो यहाँ लिखेंगे वन वन कॉमन से लिखेंगे मेथ, तो यहाँ लिख दिया हमने मेथ, और उसमें हमने कहा था आपको इल जोड़ने के लिए तो इसमें जोड़ दीजिए इल, और यहाँ पर सीएल ग्रुप है तो सीएल ग्रुप को कहेंगे क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड फ्लोराइड ऐसे करके नाम होता है, तो यहाँ पर सीएल ऐसे लिख दें क्लोराइड CHClO
आर आई डी ई। तो यहाँ जिसकी हमने समझा मेथिल क्लोराइड। अब इस तरीके से और भी पढ़ा सकते हैं, मान लीजिए सी एस थ्री है, सी एस टू है, सी एस टू ग्रुप है, यहाँ सी एल लगा दिया मैंने, तो यहाँ और इसी क्या लिखेंगे, वन टू थ्री, एंड थ्री का में से क्या लिखोगे, प्रोप लिखोगे बाबू, उसके बाद इल लगा दोगे, और सी एल ग्रुप है तो क्लोराइड लिख दोगे। तो ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से हमने आईपीसी नेम इसका समझा। और भी ग्रुप्स हैं जिसमें सॉरी फ्रेंड्स कॉमन नेम समझा, और भी कॉमन नेम्स है। जब मान लीजिए हमारे पास तीन कार्बन थे, तो तीन कार्बन के लिए हमने ऐसे लगा दिया, जब कार्बन की संख्या तीन से अधिक होती है, मान लीजिए मेरे पास चार से अधिक कार्बन हो गए, चार से अधिक कार्बन हो गए, तो हम क्या करेंगे, इसका आईपीसी नेम लिखेंगे ऐसे। तो यहाँ पर हम गिनेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो अब जैसे सिक्स कार्बन से लिखते हैं हेक्स, सिंगल बॉन्ड एन लिख देते हैं, और सॉरी फ्रेंड्स एन नहीं एल जोड़ेंगे, हेक्स लिख दिया, उसके बाद एल जोड़ दिया, फिर लिख देंगे क्लोराइड। अब बात आती है यहाँ हम जोड़ देते हैं एक सुनहरा सा शब्द एन। एन क्या होता है कि जब नंबर ऑफ कार्बन चैन, नंबर ऑफ कार्बन चैन, नंबर ऑफ कार्बन चैन ज्यादा होते हैं तो उसके लिए एन का यूज होता है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन चैन ज्यादा होते हैं तो उसके लिए एन का यूज होता है, इस तरीके से हम एन जोड़ते हैं। अब फ्रेंड्स बात करें, अगर जो इसके बाद और बात करें, जब नंबर ऑफ कार्बन चैन नोट्स आप चाहते हैं तो नोट्स लिख दीजिए, तो लिख सकते हैं कि जब जो एन सीधे चैन में ना जुड़ करके सीधे लंबा कार्बन चैन श्रृंखला में जुड़े तो वहां हम एन जोड़ देंगे इस तरीके से। अब इस तरीके से हम समझने की कुछ और भी कोशिशें करें अगर जो, तो आपको मैं बताऊं, आपको यहां पर मान लीजिए इस तरीके से और भी चीजें हैं इसमें, ऑब्वियसली मान लीजिए मैं बात करूं और ग्रुप की, मान लीजिए इस तरह से मैंने इस ग्रुप को ऐसे अटैच करा दिया, यहां पर लिख दिया CH3, यहां लिख दिया मैंने CH3, और फिर यहां पर लिख दिया इस तरह से H, मैंने कहा इसका CH2 Cl ग्रुप लगाइए। तो यहां पर क्या होता है, कॉमन नेम में आपने ये बात बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी होगी, आइसोनियो, बहुत नाम आता है इन दोनों का, आइसोनियो का, और इसमें आता है नाम सेक और टर्ट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है, इतने इंपॉर्टेंट बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हमेशा सस्पेंस में रहते हैं ये आइसोनियो क्या है, सेक या टर्ट क्या है, तो दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे बेहतर टर्मिनोलॉजी से आज। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे फ्रेंड्स, तो बहुत ही बेहतर तरीके से आपको आइसो और नियो समझ में आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां समझे, अगर ये डायरेक्टली देखिए फ्रेंड्स, ये जो सीएल ग्रुप है कार्बन से जुड़ने के बाद उसके बगल वाला कार्बन अगर जो सेकेंडरी डिग्री दिखाता है, फिर से एक बार बात सुन लीजिए, जो कार्बन चैन है हैलोजन ग्रुप के बगल में एक कार्बन हो, उसके बगल वाला जो कार्बन हो वो दो कार्बन चैन से जुड़ा हो, मतलब सेकेंडरी डिग्री दिखाता हो, सेकंड दो कार्बन चैन से अटैचमेंट हो, तो इसके लिए यूज करते हैं सुनहरा शब्द जिसे हम लिखते हैं आइसो, और उसके बाद नाम जो लिखेंगे पूरा कार्बन गिन लेंगे वन टू थ्री एंड फोर, तो क्या लिख देते हैं, ब्यूट लिखते हैं, उसमें इल जोड़ते हैं, सीएल है तो क्लोराइड लिखते हैं। ये बहुत ही इजी वे से नाम हमने समझा। और अगर जो इसी चीज को इस तरह से हम लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ मैंने लिख दिया सी एस थ्री, और यहाँ पर लिख दिया सी एस थ्री, और यहाँ मैंने लिख दिया सी एस टू सी एल, तो यहाँ आप देख रहे होंगे इसके बगल वाला कार्बन तीन कार्बन चैन से अटैचमेंट में है, और इनडायरेक्टली है, डायरेक्ट नहीं अटैच है इसी कार्बन से, तो इसका नाम हो जाता है नियो, तो इसका नाम नियो लिखते हैं। बाकी सब कार्बन को देख लीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच कार्बन से क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे, उसमें इल जोड़ देंगे, फिर लिख देंगे क्लोराइड। ऑब्वियसली अब मैं बात करूं सेकेंडरी और टर्ट की, ये तो हमारे हो गए आइसो नियो के बारे में, एन तो मैंने आपको बता ही दिया, एन होते भी हैं तो एन तो दोनों के लिए लागू होता है, लेकिन आइसो नियो और सेक और टर्ट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यहां मैं आपको सेक और टर्ट के बारे में बता दूं। तो यहां मैंने कार्बन चैन ऐसे ले लिया, और ऑब्वियसली मान लीजिए मैंने यहां CH3 ले लिया, यहां भी CH3 लिया, और मैंने यहां सीएल लगा दिया इस तरीके से, तो आप समझने वाली बात है, सीएल ग्रुप डायरेक्ट जिस कार्बन से जुड़ा हो वो तीन दो कार्बन चैन से अटैच हो तो उसे सेकेंडरी डिग्री कहते हैं। सेकेंडरी डिग्री का शॉर्टकट नेम होता है सेक, क्योंकि सेकेंडरी एस ई सी ओ एन डी ई आर वाई होता है सेकेंडरी, तो वहां से लेते हैं सेक, एस ई सी ले लेते हैं, तो यहां लिखेंगे एस ई सी, एस ई सी, उसके बाद यहां देखेंगे वन टू थ्री, थ्री कार्बन से ले देते हैं प्रोप, उसमें एल जोड़ देंगे, क्लोराइड लिख देते हैं नाम, तो यहाँ हमारा ये नाम हो गया। और अगर जब मैं बात करूँ इस तरीके से ग्रुप की, तो यहाँ मान लीजिए सी एस थ्री मैंने लगाया, यहाँ भी मान लीजिए सी एस थ्री लगा दिया, यहाँ भी मान लीजिए सी एस थ्री मैंने ग्रुप अटैच कर दिया सी एल के साथ, तो यहाँ जब देखेंगे डायरेक्ट इससे तीन कार्बन चैन अटैच हो तो यह हमारा कहलाता है टर्टी डिग्री, और टर्टी डिग्री का जो नाम हो जाएगा लिखेंगे टर्ट, टी ई आर टी, टर्ट लिख देते हैं, उसके बाद ग्रुप को देखेंगे वन टू थ्री फोर, तो चार कार्बन से लिख देते हैं ब्यूट, उसमें लिख देते हैं इल, और सी एल ग्रुप के कारण क्लोराइड नाम दे देते हैं। तो ये फाइनली हमने समझा, तो हमने हेलो एल्केस के, तो आईपीसी कौन सी बात करें, हम हेलो एरिन की बात करें, हेलो एरिन के आईपीसी नेम की, तो हमारा जो हेलो एरिन का आईपीसी नेम होगा, हेलो एरिन मैंने इससे पहले बताया था आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में क्या करता है, बेंजीन रिंग बनाई उसके ऊपर मान लीजिए सीएल ग्रुप दे दिया, तो यहाँ आप क्या करेंगे, इसका जो नाम लिखेंगे, इसका नाम तो बेंजीन ही होगा लेकिन सीएल ग्रुप है इसके लिए यूज होता है प्रीफिक्स, तो हम लिखेंगे क्लोरो, तो यहाँ हम लिख देते हैं इसका जो ऑब्वियसली नाम होता है इसके लिए हम यूज करते हैं क्लोरो, तो सी एच एल ओ आर ओ क्लोरो, और नाम यूज करते हैं बेंजीन,
हमने लिख दिया क्लोरोबेंजीन। अब यही ग्रुप अगर जो इस तरह से हमने अटैचमेंट दे दिया, मान लीजिए एक ग्रुप ऐसे बना, बेंजीन रिंग बना, यहाँ सीएल लगा दिया, यहाँ भी सीएल लगा दिया, तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ बेंजीन रिंग बनेगा, ये पूरा हमारा रिंग ही है। तो यहाँ देखते हैं वन और टू थ्री ऐसे चलेगा, तो यहाँ आप देखेंगे ऑब्वियसली क्या होता है, वन कामा टू डाई क्लोरो, उसके बाद लिख देते हैं नाम बेंजीन, तो यहाँ हमने इसका नाम लिख दिया। ऐसे जैसे बात करें थर्ड ग्रुप पे, थर्ड ग्रुप लगाकर मान लीजिए मैंने ऐसे दे दिया, तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने दिया, यहाँ पर सीएल दे दिया, यहाँ पर सीएल दे दिया और यहाँ सीएल दे दिया, तो आप देखोगे कि ऑब्वियसली जो निकट होगा वन टू थ्री एंड फोर, तो चार कार्बन ऐसे हम देखेंगे, चार पांच और छह, तो ये तो आपको पता है, इससे तो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें यही समझना था। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या देख रहे हैं, हम दूसरे पहले देख रहे हैं, दूसरे पे देख रहे हैं और उसके बाद चौथे ग्रुप पे देख रहे हैं, तो फर्स्ट टू एंड फोर लिखेंगे ट्राई क्लोरो, उसके बाद लिख देते हैं बेंजीन, तो ये हमारा नाम हो गया ट्राइक्लोरोबेंजीन। ऐसे अब जैसे बात करें अगर जो कोई और ग्रुप लगा करके हम बता दें, अगर जो मान लीजिए यहाँ पर बेंजीन रिंग बने बनाया और यहाँ लगा दिया सीएल ग्रुप, उसके बाद मान लीजिए यहाँ सीएल ग्रुप मैंने अटैच किया, और भी कोई ग्रुप मैं अटैच कर देता हूँ, मान लीजिए सपोज में दिमाग में आ रहा है, मान लीजिए मैंने लगा दिया यहाँ पर सी एस थ्री ग्रुप, मान लीजिए मैंने लगा दिया सी एस थ्री ग्रुप, तो यहाँ क्या होता है इसका नाम जो हो जाएगा, जैसे इसका नाम जो हो जाएगा, तो ये नाम हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे, जो यहाँ पर नंबरिंग होगी, मान लीजिए इस ग्रुप को मैं थोड़ा सा और निकट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए मैंने इस ग्रुप को कर दिया सी एस थ्री को, तो यहाँ नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वन टू थ्री ऐसे करके लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वन टू, तो यहाँ हमने किया नंबरिंग वन और टू, इस तरह से नंबरिंग हमने किया, तो यहाँ नंबरिंग करेंगे तो वन टू थ्री फोर ऐसे आएगा पूरा बेंजीन, तो यहाँ लिखेंगे वन पे। अब इस ग्रुप का नाम हो जाता है, इसको कहते हैं मेथिल ग्रुप कहते हैं, और इस ग्रुप को कहते हैं क्लोरो सी एच एल ओ आर ओ। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले सी आएगा, फिर उसके बाद एम आएगा, तो पहले सी लिखा जाता है फर्स्ट, लिख देते हैं फर्स्ट क्लोरो सी एच एल ओ आर ओ क्लोरो फर्स्ट क्लोरो, उसके बाद लिखते हैं सेकेंड मेथिल, और उसके बाद नाम हो जाता है बेंजीन। बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर मेथिल ऐसे कर दिया, मान लीजिए मैंने ग्रुप दे दिया, ऐसे भी एक ग्रुप लगा के बता दूं मैं आपको, मान लीजिए मैंने ऐसे ग्रुप दे दिया, यहाँ लिख दिया सी डबल ओ एस ग्रुप, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिख दिया सी एल ग्रुप, तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा, इस ग्रुप का पूरा जो नाम होता है इसे कहते हैं बेंजेनोइक एसिड, इस ग्रुप का नाम है बेंजेनोइक एसिड, और उसके बाद यहाँ सी एल ग्रुप लगा, तो ये पूरे ग्रुप का नाम है बेंजेनोइक एसिड। ऐसा क्यों है, इसका कारण ये है क्योंकि मैंने आपको एफएससी की बहुत अच्छी तरीके से बताया, ये फंक्शनल ग्रुप के कारण होते हैं, फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो स्टॉप पे जो होता है सी डबल ओ एच ग्रुप होता है, इसलिए उसको हम साथ ही में लेते हैं, वर्ड उड के साथ ही पीछे लेते हैं, तो यहाँ हम उसके यूज करते हैं, ये हमारा प्रीफिक्स बनता है, बाकी ये हमारे पूरे सफिक्स के साथ काम में आते हैं, ठीक है। ऐसी बात करें हम उसका नाम दे, तो लिखेंगे बेंजेनोइक एसिड, और यहां पर ले देते हैं वन टू, तो नंबरिंग में वही से करेंगे, बड़ा वही है, तो लिखेंगे टू क्लोरो, ठीक है, तो टू क्लोरो बेंजेनोइक एसिड लिख देते हैं, टू क्लोरो बेंजेनोइक सी एच एल ओ आर रहेगा, थोड़ा लिख देते हैं फिर से सी एच एल ओ आर ओ क्लोरो बेंजेनोइक एसिड, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने आईपीएससी नेम समझा हेलो एरियंस। फाइनली बात करेगा जो हेलो एरियंस के कॉमन नेम की, तो हेलो एरियंस का जो कॉमन नेम है, हेलो एरियंस का जो कॉमन नेम है इसके बारे में बात करें, तो यहाँ पर हेलो एरियंस मैंने ग्रुप लिया, मान लीजिए मैंने ले दिया सी एल ग्रुप, मान लीजिए बी आर लगा दिया मैंने, तो इसका जो कॉमन नेम होगा, इसका जो साधारण नाम होगा, इसके लिए भी यूज होगा ब्रोमो बी आर ओ एम ओ ब्रोमो, उसके बाद लिख देते हैं बेंजीन, तो यहाँ हम लिख देंगे ब्रोमो बेंजीन, और ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ फाइनली और भी बात करें, मान लीजिए मेरे पास ये ग्रुप मैंने लगा दिया है इस तरीके से सी डबल ओ एस समूह, उसके बाद यहाँ लगा दिया मैंने बी आर समूह, तो यहाँ ऐसे फाइनली क्या होगा, इसका बेंजेनोइक एसिड हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो ग्रुप है इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा बेंजेनोइक एसिड, तो मैंने लिख दिया बेंजेनोइक एसिड, और यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि अब मैं आपको फाइनली बता दूं कि ये जो हमारा कॉमन नेम यहाँ पर आएगा आर्थोमेटा और पैराकलाता, जब हमारा कोई ग्रुप बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप, सॉरी फ्रेंड्स, तो बेंजीन गड़बड़ बन रहा था, यहाँ पर बात कर लें अगर जो बेंजीन मैंने बना दिया, तो ये हमारा अगर जो हेड हो गया क्योंकि कोई ग्रुप लग गया, तो इसके बगल में ये दोनों हमारे कहलाते हैं आर्थो ओ आर टी एच ओ आर टी एच ओ आर्थो कहलाएंगे, ये हमारे कहलाते हैं मेटा, और फाइनली ये हमारा कहलाता है पैरा, तो यहाँ पर ये नाम होता है, उसके शॉर्टकट नेम ले लेते हैं ओ एम और पी उठा लेते हैं वहां से, ओ एम और पी उठा लेते हैं वहां से फाइनली, तो क्या होता है ओ एम और पी, मान लीजिए हमने फाइनली उठा लिया यहाँ पर, तो यहाँ देखेंगे आप, तो ये हमारा आर्थो पोजीशन है, तो लिख देते हैं आर्थो ब्रोमो बी आर ओ एम ओ ब्रोमो नाम हो जाता है, तो ये इसका नाम हुआ। ऐसे ही अगर जो मैं बात करूँ थोड़ा सा और डिफरेंस की बात कर लूँ, तो यहाँ पर मान लीजिए बेंजीन रिंग मैंने बनाया, बेंजीन रिंग बनाने के बाद यहाँ मान लीजिए बी आर मैंने लगा दिया, और जस्ट इसके बगल में अगर जो मैंने इस बी आर को यहाँ लगा दिया यहाँ पर, तो यहाँ इसका जो नाम हो जाएगा क्योंकि ये मेटा पर लगा हुआ, तो ये हम लिख देते हैं मेटा, और यहाँ पर हो जाता है डाई ब्रोमो बी आर ओ एम ओ ब्रोमो, और उसके बाद हो जाएगा नाम बेंजीन,
तो यहाँ हमने समझा कि डाई ब्रोमो बेंजीन होगा क्योंकि मेटा पे लगा अर्थो पैरा, जो हमारा अर्थो होगा फिर मेटा होता है फिर पैरा होता है, तो यहाँ मेटा पे लगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पर मेटा लिख दिया। अब अगर जो थोड़ी सी और ग्रुप की बात कर लिया जाए, मान लीजिए मैंने ये ग्रुप ले लिया है और यहाँ मान लीजिए मैंने लगा दिया बी आर ग्रुप, और उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए मैंने बी आर लगा दिया और यहाँ पर मान लीजिए मैंने बी आर लगा दिया, तो यहाँ इसका जो नाम हो जाएगा, यहाँ इसका नाम हो जाएगा सिम कहेंगे, एस वाई एम बात करेंगे सिम कहेंगे। और सिम की बात अगर जो मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ मैंने लिख दिया सिम और उसके बाद लिख देते हैं ट्राई, और फिर उसके बाद ट्राई क्लो, यहाँ पर ब्रोमो ग्रुप है तो लिखेंगे बी आर ओ एम ओ ब्रोमो, और लिख देते हैं बेंजीन, तो सेम होगा ट्राई ब्रोमो बेंजीन। अगर जिसके आईपीसी नेम की बात करें तो आईपीसी नेम भी 1 2 3 4, तो लिखते हैं 1, 2, 4, फिर लिख देते हैं ट्राई बी आर ओ एम ब्रोमो, फिर लिख देते हैं बेंजीन। थोड़ा सा अंतर है, कोई अंतर नहीं, यहाँ पर सिम प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि ये सिमिलर ग्रुप जो होते हैं ये सिमिलर प्रोटोनेंट है, इसलिए यहाँ पर सिम प्रयोग हुआ, यस वाई एम सिम ट्राई मेथिल उसके बाद हुआ बेंजीन। तो अगर जो ये फाइनली ग्रुप हुए, ऐसे ही कुछ और ग्रुप की बात कर ले, मान लीजिए और भी ग्रुप हमारे पास हुए, मान लीजिए हमारे पास में एक ग्रुप और है, इस तरीके से मैं ग्रुप के बारे में बताऊं आपको, तो मान लीजिए मेरे पास बेंजीन बनाया मैंने, और बेंजीन बनाने के बाद मैंने यहाँ पर ले दिया सी एल ग्रुप फ्रेंड्स, मान लीजिए लिख दिया, उसके बाद यहाँ मैंने लगा दिया सी एस थ्री, तो फाइनली आप इस ग्रुप का नाम जानते हो, इसे कहते हैं टॉलवीन। और उसके बाद यहाँ नंबरिंग करोगे 1 2 3 एंड 4, तो ऐसे लिखोगे इसके लिखोगे टॉलवीन। तो आप अगर जो ऐसे भी देख लो, तो यहाँ पर आई पीसी नेम तो कर नहीं रहे क्योंकि आई पीसी नेम हमें नंबरिंग करनी होती है, लेकिन यहाँ पर पोजिशन देखना होता है कि कौन से पोजिशन पे है। अगर जो हमारा सिमिलर हेड हो गया तो हमारा अर्थो अर्थो कराएगा, ये बेटा बेटा ये पैरा हो जाएगा पोजिशन, तो ऐसे ही हम बात कर सकते हैं पैरा क्लोरो, और उसके बाद नाम हो जाता है टॉलवीन, तो यहाँ हो जाता है पैरा क्लोरो टॉल टॉलवीन, ये नाम हो गया फ्रेंड्स। तो ऐसे इस तरीके से हम नाम होते हैं, मान लीजिए फाइनली और भी ग्रुप ले लिया, मान लीजिए बेंजीन रिंग मैंने बनाया, बेंजीन रिंग बनाने के बाद यहाँ पर मान लीजिए फ्रेंड्स मैंने ले लिया सी एल ग्रुप, और मान लीजिए यहाँ मैंने ले लिया सी एस थ्री ग्रुप, तो यहाँ लिख देंगे आर्थो, क्योंकि आर्थो पे क्लोरो देखोगे सी एच एल आरो क्लोरो, उसके बाद होता है टॉलवीन, क्योंकि ये हमारा ग्रुप हो गया, इसके बगल में आर्थो है तो टॉलवीन नाम हो जाता है वीन, तो ये हो गया नाम, ऐसे सिमिलर नाम हो गया आर्थो टॉलवीन। और भी ग्रुप्स हैं, मान लीजिए अब मैंने आपको एक और चीजें बताई थी बड़े अच्छे तरीके से, बेंजिल बेंजल बेंजो, आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था बेंजिल बेंजल बेंजो, उस चीज को ध्यान से समझे, उस चीज को याद करें। मान लीजिए बेंजिल रिंग ग्रुप लगाया मैंने, और उसके बाद मैंने सी एच टू सी एल लिख दिया, तो इसका नाम होता है बेंजिल बी ई एन बेन जेड वाई एल बेंजिल क्लोराइड, तो यहाँ नाम हो गया बेंजिल क्लोराइड। ऐसे ही बात कर लिया, मान लीजिए बेंजीन रिंग मैंने बनाया, उसके बाद मैंने यहाँ पर लगा दिया सी एच और यहाँ पर सी एल टू लगा दिया फ्रेंड्स, मतलब दो सी एल लगा दिया, तो यहाँ इसका नाम हो जाता है बेंजिल बेंजल बेंजल जे ए एल हो जाएगा, सी एच एल ओ आर आई डी क्लोराइड हो जाएगा, ये भी हमारा कॉमन नेम है। ऐसे ही बता दे बेंजीन रिंग मैंने बनाया, बेंजीन रिंग के बाद यहाँ मैंने लगा दिया सी, यहाँ पर सी एल, यहाँ पर सी एल और यहाँ पर भी सी एल ग्रुप में लगा दिया, तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा बेंजो, और यहाँ फाइनली हम बात करें तो यहाँ कुछ जाता है क्लोराइड। तो यहाँ हमने तीन नाम पढ़े, बेंजिल बेंजल बेंजो, तो यहाँ हमें